कोलकाता के प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था नूतन उदय फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रोग्राम में संस्था की महिला सदस्यों ने जमकर डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं ने नवरात्र के आगमन से पहले ही कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके जरिए माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। ये संस्था 2019 से महिलाओं के वेलफेयर और उनकी क्षमता अनुसार रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक प्रगति श्रीवास्तव और नूतन सिन्हा ने कहा कि महिला विकास के लिए हम सभी का प्रयास सदा जारी रहेगा, ताकि हमारे समाज की महिलाएं आत्मनिर्भर बन के जीवन की आजादी को प्राप्त कर सके। प्रगति श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था को खोलकर वो समाज की महिलाओं का हर कीमत पर उत्थान चाहती हैं। इनका मानना है कि कला और संस्कृति के साथ ही शिक्षा में विकास से ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, तभी उनका हक उन्हें मिल सकता है। महिलाओं ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें 33% आरक्षण देकर जो सम्मान दिया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि हम लोग 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। जिन्होंने महिलाओं को सम्मान किया उसका सम्मान हम महिलाओं द्वारा चुनावों में किया जाएगा। प्रगति मैम के सौजन्य से हम महिलाओं को घर से निकलने का अवसर मिला है, अपनी अपनी इच्छाओं की उड़ान भरने की सुअवसर मिला है। ये डांडिया दुर्गा पूजा के अवसर पर यह डांडिया कार्यक्रम हो रहा है, जो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज डांडिया का प्रोग्राम रखा गया था और इस बार का डांडिया तो कुछ खास ही था, चूँकि हम लोग 33% में आ गए हैं और अब कुछ खास लेके इसको संस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के नवादा के महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा उत्साह वाली बात है। इस बार डांडिया में भागीदारी ज़्यादा थी, पिछले 5 वर्षों की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा ही हम लोग उत्साह से इस बार मनाए। आज हम लोग माता के दरबार का आगमन के लिए यहाँ प्रस्थान हुए हैं और एक और खुशी है कि सब महिलाओं को 33% मिला है आरक्षण। इसी की खुशी में मोदी सरकार जी जो आए हैं हमारे देश में और हम मनाते हैं कि सभी साल जितने भी साल आ रहे हैं हर वक्त मोदी सरकार ही रहे, इसके लिए हम लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। और मेरे कहने का मतलब है कि सब जितने भी लेडीज घर के अंदर थे, आज मोदी जी ने सबको घर से बाहर अपने अपने उमंग के साथ निकलने के लिए जोश दिए हैं। इसीलिए इसी पे सभी मोदी सरकार के नाम से जय जयकार करना चाहते हैं। डांडिया प्रोग्राम हम लोग उड़ान की तरफ से हम लोग किए हैं और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब मोदी सरकार भी 33% हम लोग का आरक्षण दिए हैं, इस खुशी में हम लोग हर्ष उल्लास के साथ डांडिया प्रोग्राम मना रहे हैं। आज हम लोग अपने दिलों से दिलों के जोड़ने का भाव को लेकर आज हम सभी महिलाएं इस संस्था में डांडिया प्रोग्राम कर रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत हर्ष उल्लासित के साथ इस डांडिया प्रोग्राम को कर रहे हैं। मोदी सरकार ने हम लोगों को आरक्षण दिया है 33%, इसलिए हम लोग खुशी से और ये माँ शक्ति माँ दुर्गा के स्वागत के समारोह के लिए डांडिया प्रोग्राम किया गया है। इस बार नवरात्रा का आयोजन हुआ है और इस बार आप लोग हम महिलाओं का नया रूप देखेंगे। नरेंद्र मोदी ने हम महिलाओं को कुछ आरक्षण दिया है, इसलिए हम सभी कुछ नया करके देश को दिखाना चाहते हैं।